सर गुड मॉर्निंग. सर हम देख रहे हैं ये यूएस बैंकिंग संकट किस तरफ जा रहा है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां से अलग अलग तरह के बयान निकलकर आते हैं और 24-24 घंटों में उलटफेर हो जाता है. बैंकों को लेकर जेनेट येलन बार बार अपना बयान बदल रही है. परसों कहती है मदद नहीं मिल सकती, हाथ खड़े कर दिए, फिर एक दिन बाद यूटर्न आता है कि नहीं जी सब ठीक ठाक है, आप सेफ हैं. इसे कैसे देखा जाए सर? नहीं, वही नया जी ये मैं कहता रहा हूँ पिछले दो हफ्ते से कि बाइडेन जब प्रेसिडेंट ने कहा कि सब डिपॉजिट सेफ है, फिर पिछले हफ्ते जेनेट येलन ने कहा नहीं अनइंश्योर्ड डिपॉजिट को हम हाथ लगाएंगे तो सिस्टमिक इशू आ जाएगी. फिर अगर आप देखें तो बुधवार को इन्होंने सेनेट के सामने कहा कि हम ब्रॉड बेस नहीं करने वाले, हम इसको बढ़ाने नहीं वाले इंश्योरेंस को, तो सारे डिपॉजिट्स को हम कांग्रेस की पहले अप्रूवल लेंगे तभी हम कुछ करेंगे, तो उससे मार्केट गिर गए. कल उनका जो लोकसभा है उसके सामने वक्तव्य में इन्होंने कहा कि हमने पहले भी बचाए रीजनल बैंक्स, आगे भी बचाएंगे और हम स्टेप्स लेते रहेंगे बचाने के लिए. उससे भी मार्केट अब थोड़ा परेशान ही है और जो इनका बैंकिंग इंडेक्स है केडब्ल्यूडी नैस्टैक बैंकिंग इंडेक्स वो 1.7% नीचे बंद हुआ. उसके सामने आप देखिए स्विस नेशनल बैंक का जो बहुत क्लियर बयान आया, उन्होंने रेट्स बढ़ाई नेहा जी कल 50 बेसिस पॉइंट, बट उन्होंने कहा बैंकिंग क्राइसिस यूरोप का टल चुका है, हमने उसको एड्रेस किया और अब कोई बैंकिंग क्राइसिस नहीं है यूरोप में. आपको इस तरह से बोलना है क्योंकि ये जो है ये ट्रस्ट बेस्ड है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है तब लोग डिपॉजिट निकाल रहे हैं. आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रोज फेर बदल मत करिए, एक पॉलिसी एक निश्चित पॉलिसी बनाइए कि अच्छा हम ये करेंगे और डिपॉजिटर्स को तो बचाना ही है एंड में, वो तो आप करने ही वाले हैं. इलेक्शन ईयर आ रहा है अगले साल से और वो करना है. और एक और चीज कहूंगा, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का कुछ हल निकल आएगा मेरे ख्याल से, कुछ टेक ओवर कुछ हो सकता है क्योंकि ये फ्राइडे को मूव करते हैं, तो दो फ्राइडे पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर संडे को सिग्नेचर हुआ था, पिछले फ्राइडे को क्रेडिट स्विस का शुरुआत हुई, संडे तक क्रेडिट स्विस मर्ज हो गया, तो इस फ्राइडे को हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को देखते हुए. मुझे लगता है कुछ आप अनाउंसमेंट देख सकते हैं संडे तक, या रिसीवरशिप में आ जाएगा या फिर कहीं से कोई टेक ओवर आ जाएगा. चलिए बगा सर, थैंक यू सो मच. हम उम्मीद यही करते हैं कि स्थिति में सुधार देखने को मिले एंड ऑफ कोर्स जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो तब हम मार्केट को वापस से सपोर्ट लेता हुआ देखेंगे. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्थिति को इतने बेहतर तरीके से